तो अब क्या करेगा तो सर सर इसकी बेसिक तो ज्यादा थी बिल्कुल ज्यादा थी मना नहीं कर रहा गया भी इसी के पास था यहीं पहुंच गया फिर टूटेगा फिर बनेगा फिर टूटेगा फिर, फिर बनेगा क्या एक कंडीशन ऐसा कुछ मालिकों यहाँ जाकर चिपक जाए और जैसे यहाँ चिपकेगा रेसर आगे प्रोसीड हो जाएगी बोलो मेरे भाई ये तो नहीं पूछो कि साहब यहां क्यों नहीं गया गया था वापस आ गया आया कि नहीं आया क्योंकि कोई बेनिफिशियल काम फोर फोर पूछना है जल्दी लो फटाफट टाइम नहीं इतना यार पढ़ाना भी रहता है फोर में क्या है एम सी पी भी है क्या काम करता है भाई इपॉक्सी लगा देता है तो इपॉक्सी लगा देगा हमारे सामने ख़त्म ये बन गया आपके सामने फोर्थ में आपने इपॉक्सी बना दिया तो एक तरफ ई थ्री एक तरफ क्या है तो भाई पहले में दोनों जगह एच वैसे गड़बड़ हो गया बी वैसे गलत है और सी में डी में तो आपने सी एस थ्री को ऊपर भेज दिया तो कहाँ लगाओगे ई पॉक्सी लगाओ तो आंसर कौन सा हो गया सी पार्ट समझ में नहीं आया भाई हाँ। अरे एमसीपी में किसका सोर्स होता है ऑक्सीजन का क्या बना दो किसके अंदर आप हाँ भाई आपने कहा था ना भाई हमारे सामने लो दे रखा हो सी डबल बॉन्ड सी और आपने यहां पर एमसीपीबीए ले लिया कहा गया पीबीए ये आपने बनाया था इपॉक्सी। पढ़ाया हुआ भाई ये तो फाइव सिक्स सेवन एट एट में एट में लो बेटा एट में क्या पूछना है बेटा एट में क्या पूछ रखा है ये पीसीसी दे रखा है तो बन गया सीएचओ बन गया वो मीडियम दे रखा है सी सी से कुछ नहीं है वो न्यूट्रल मीडियम है ठीक है ना नाइन्थ पूछना है बेंजिन से लगा हुआ बिहार जाने वाला क्या होगा वहां पर ओ आ जाएगा अब एक मिनट नाइन्थ क्वेश्चन अभी आपसे नहीं होगा टेंथ क्वेश्चन अभी आपसे नहीं होगा इसका रीजन ये है इसके अंदर एरोमेटिक की रिएक्शन इन्वॉल्व हो चुकी है बेंजीन रिंग के ऊपर रिएक्शन इन्वॉल्व हो गए। इसलिए आपसे अभी ये क्वेश्चन नहीं होंगे बेटा। तो नाइन्थ और टेंथ को छोड़ दो अभी आगे जब एरोमेटिक पढ़ लेंगे तब हो जाएगा अलेवेंथ अलेवेंथ पूछना है लाओ एलेवन में क्या देखा है एस टू पी डी बी एस ओ फोर एस टू पी डी बी एस ओ फोर अब आप मुझे बताओ भाई यहां पर कितने मेंबर रिंग देखा फाइव मेंबर रिंग यहाँ दे रखा है डबल यहाँ दे रखा है सी ट्रिपल बॉन्ड सी उसके बाजू में दे रखा है कार्बन एक कार्बन बीच में और भी था हेलो 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 एक कार्बन यहां पर है फिर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एक कार्बन यहां पर यहां पर आपको दे रखा है एक डबल बॉन्ड ऐसे एस टू पी डी बी एस ओ फोर पॉजिनेट कर दिया है कौन एडजॉर्व हो पाएगा डबल बॉन्ड नहीं होता बॉन। कौन हो पाएगा बॉन। ट्रिपल बॉन्ड किस में जाएगा बेटा ये डबल बॉन्ड बॉन के अंदर तो आप इसे कन्वर्ट कर लो डबल बॉन्ड के अंदर आ गया भाई आगे क्या दे रखा पढ़िए आप दे रखा है डाइल्यूट केवनो 4 273 केल्विन कहना क्या चाहता है बेयर्स रिएजेंट है कोल्ड डाइल्यूट केवनो कहीं भी लगा लो क्या फर्क अब नंबर ऑफ ओ एच पूछा हुआ है तो आप बताओ भाई क्या करोगे इसको तोड़ो क्या लगाओगे यहाँ पर ओ OH. एच ये बोन गया यहाँ से ये बोन गया यहाँ से ये बोन गया इनके बीच में रख क्या जाएगा हमारे सामने ओ OH एच और ओ एच OH. यहाँ या ओ एच OH, यहाँ या ओ एच OH, यहाँ या ओ एच यहाँ ओ एच पूछा क्या है इसमें टोटल नंबर ऑफ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कितने हैं कितने आ गए एक दो तीन चार पाँच और छः आप? तो जे में कभी भी बेर्स लिख के नहीं आता ऐसे बनाकर दे देता है कर पाए ट्वेल्व का ट्वेल्व तो बताना है सी एस रखे एल आर एस फोर क्या करेगा बेटा आपका डबल बॉन्ड पे कुछ नहीं होता तो क्योंकि नॉन पोलर है तो आपको कहा जाएगा एस्टर पे एक्स्ट्रा दे रखा है एस्ट्रा दे रखा है ये आपके सामने आया सी यहाँ पर आया डबल बॉन्ड सी यहाँ पर आया है सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ दे रखा है ओ यहाँ दे रखा है सी एस थ्री अब आप बताओ एल आई एस फोर क्या करेगा बेटा एच निगेटिव आया अटैक किया अटैक किया खटे यहाँ हो गया बाहर क्या बन गया है सी डबल बॉन्ड सी यहाँ पर आया सी डबल बॉन्ड ओ एच वापस रिएक्शन करेगा एच निगेटिव बॉन्ड को तोड़ देगा क्या बनेगा सी डबल बॉन्ड सी यहाँ बनेगा सी यहाँ बन जाएगा ओ एच ये दे रखा है और क्या दे रखा है थर्टीन वाला अच्छा क्वेश्चन है आप मुझे बताइए आपके सामने दे रखा है ये क्वेश्चन अगर आपको मैकेनिज्म नहीं आती क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा आपसे यहाँ दे रखा है कार्बन यहाँ दे रखा है बी आर एल एच सबसे पहले कहाँ पर जाएगा बेटा हमारे सामने एच निगेटिव का सोर्स है सबसे पहले करेगा एसिड बेस मिलने वाला अब इसके बाद दो ऑप्शन है या तो करेगा इसको रिड्यूस या तो करेगा इसको रिड्यूस कहाँ जाएगा सिग्मा स्टार या पाई स्टार खुद ही बताओ जैसे इसने पाव स्टार अटैक किया ये क्या हो गया यहाँ है? से टूट गया क्या बन के आया ये ये बन के आया सी यहाँ बन के आया ओ निगेटिव यहाँ बन के आया एच यहाँ क्या बन के आया बेटा सी एस टू यहाँ क्या बनकर आया बी आर क्या एक आपको न्यू एनायन दिख के आ गया न्यू एनायन सबसे पहले क्या ढूंढेगा एसिड बेस मिलने वाला क्या करेगा अंदर ही सिग्मा स्टार पर अटैक हो गया यहाँ है? से बाहर क्या बन के आ गया ये बन के आ गया कार्बन कार्बन यहां पर आ गया ऑक्सीजन नहीं आया आसान है यार एक्चुअल में ये ऑप्शन बेस क्वेश्चन था आपके इपॉक्सी का फर्दर एल क्या हो सकता है रिडक्शन बट ऑप्शन में कहीं भी, भी ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है इपॉक्सी का तो करता है इंग्लिश ट्रेन है सिग्मा स्टार नीचे है अटैक इसमें भी कर जाता है बट ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है तो यहीं पर रोक देंगे अच्छा एन ए बी एच दे रखा गया ओके ओके अरे कोई फर्क पड़ता है खत्म फोर्टीन फिफ्टीन 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 में एक मिनट डबल बॉन्ड का कुछ नहीं होने वाला डबल बॉन्ड नीचे दे रखा कुछ होने वाला नहीं है अगर करा रखा सही कर चलो सिक्सटींथ सिक्सटीन सेवेंटी सेवेंटी बताना है एटीन भी अभी आपसे नहीं होगा हो जाएगा नहीं होगा भाई नहीं होगा चलो तो बातियों बच्चों को बाद में पढ़ा लेते हैं पहले आज नोट दो मुझे क्या पढ़ाया था जल्दी बताओ भाई क्या पढ़ाया था, था? कार्बोनाइज विद अमोनिया अमोनिया डेरिवेटिव हो गया था बात एल्कोहल रिएक्शन करा दी थी, थी मैंने कहाँ कहाँ पर दो एच स्टेबल होते हैं दो तीन क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लेना कोई दिक्कत नहीं है हो गया होगा ये सब क्या गया तो ये आपको कराया था मैंने एस एच अभी आपका रिएक्शन किससे नहीं हुआ है वाटर से रिएक्शन नहीं हुई है ना चलो देखो रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विथ वाटर रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विथ वाटर शुरू करें फ्रेन डालिए रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विथ वाटर हाँ भाई यहाँ पर आया आर यहाँ पर आया सी डबल बॉन्ड हो यहाँ पर आया एच यहाँ पर आया ओ यहाँ पर आया एच एच आपने रिएक्शन कराई वाटर से पहला क्वेश्चन मुझे बताइए क्या रिएक्शन परफॉर्म होगी कि नहीं होगी आप बताओगे भाई इसका हमारे सामने क्या है? यहाँ पर है पाई स्टार यहाँ पर हमारे सामने कैसा है ये वीक न्यूक्लियोफाइल जल्दी बताओ मेरे भाई क्यों नहीं होगी क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल कभी भी इसके बॉन्डिंग पे अपने आप अप्रोच नहीं कर सकता कुछ नहीं होने वाला अभी नहीं हो सकता अब रुके रहो रुके रहो क्या विदाउट एसिडिक मीडियम क्या यहां पर अटैक कराया जा सकता है यस क्वेश्चन आप खुद सोचो क्वेश्चन ये है कि अटैक कर क्यों नहीं रहा है, हाई है। तो मोल लेवल को नीचे लाने को अगर आपको याद हो तो तीन तरीके हमने पढ़े थे या तो हिंड्रेंस बिल्कुल कम कर दो बोलो मेरे भाई yes. या इलेक्ट्रॉन या एंगल यही तरीका और था इसमें डाल दो एच पॉजिटिव अभी मैं इस पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा हूं आप मुझे बताओ अगर मैं आपसे कहता हमारे पास यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है और यहां दे रखा हो सी डबल वॉन्डो एच और यहां दे रखा हो एस टू वो क्या रिएक्शन अब परफॉर्म हो जाएगी हो जाएगी भाई क्यों ऐसा हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी दे इंक्रीज करेगी ए बी लेवल नीचे आएगा अच्छा इसके अलावा मुझे बताओ अगर मैं आपसे कहता हमारे पास कंपाउंड दे रखा हो डबल बॉन्ड हो यहाँ दे रखा हो एस टू हो क्या तब भी रिएक्शन परफॉर्म हो सकता है बोलना पड़ेगा भाई कैसे होगा भाई एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है ये आपका एस पी टू से एस पी थ्री में जाना चाहेगा जिससे इसको क्या मिले एंगल स्ट्रेन में रिलीफ मिले अरे आया कि नहीं आया यार पक्का छापी फिर बात करते हैं आगे कलिए चलो तो विदाउट एनी मीडियम आप यहाँ रिएक्शन करा सकते हो बोलो मेरे भाई रुके भी खत्म नहीं हुआ है अब रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर क्या बनेगा आप मुझे बताओगे बोलो बोलो क्या ये इसके ऊपर अटैक कर जाएगा अभी चलो रुके रहो अभी रुके रहो अभी, अभी अभी नहीं कराते बेटा ये बताइए हमारे सामने रखा आर, यहां लगा रखा है आर यहाँ लगा रखा है सी डबल मो एच आपने कहा यहाँ पर वाटर लेने के बाद मैंने लिखा यहाँ पर एच पॉजिटिव समझना चीजों को क्या होगा बताना यहाँ पर क्या होगा इसका पहले प्रोटोनेशन क्या बन गया यार आर सी डबल बॉन्डो एच यहाँ बताओ भाई यहाँ पर ऑक्सीजन पॉजिटिव या तो वापस बॉन्ड तोड़ेगा वहीं पहुँच जाएगा या क्या करेगा पाई बॉन्ड तोड़ेगा और पाई बॉन्ड को ब्रेक करते ही क्या ये आपका इस प्रकार से बन जाएगा भाई ये आपस में क्या है रेजुलेटिंग स्ट्रक्चर अब इस पर अटैक कौन कराएंगे हम लोग वाटर का और जैसे हमने यहाँ अटैक कराया वाटर का वापस भी जा सकता है क्या बन के आया बेटा आर सी यहाँ बताओ ओ एच यहाँ बताइए क्या ये बन के आएगा भाई यहाँ कौन आया एच रुके रहो रुके रहो अब क्या होगा यहाँ से वाटर निकालोगे वहीं पहुंच जाओगे या क्या बना फिर बताओ ओ एच यहाँ बताइए ओ एच यहाँ बताइए एच और क्या वापस पॉजिटिव बच गया है आप खुद ही बताओ सोल्यूशन में एच पॉजिटिव है अंदर ही ओ एच पड़ा हुआ है रुकेगा क्या वापस क्या होगा और प्रोटोनेशन करने के बाद फिर से यहीं पहुंच गया फिर अटैक करेगा फिर टूटेगा फिर क्या वहीं पहुंच जाओगे इसीलिए हम लोग पढ़ाते हैं कि एक कार्बन पे कभी भी दो एच स्टेबल नहीं होता क्योंकि अंदर पड़ा हुआ एच पॉजिटिव वापस करेगा प्रोटोनेशन और निकाल देगा बोलो मेरे भाई नहीं बात समझ में आई तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने एच पॉजिटिव लेके कराया समझना मेरी बात को अगर आपने एसिडिक मीडियम में लेकर रिएक्शन कराया तो रिएक्शन स्टार्ट तो हो गई बना भी लिया बना भी लिया बट जैसे आप यहां पहुंचोगे आपको एक कार्बन पे कितने मिलेंगे? वो मिलेंगे तुरंत दूसरे वोज का फिर से क्या हो जाएगा और तुरंत बाहर जाएगा बनाएगा पॉजिटिव और पॉजिटिव बनाते फिर से डबल बॉन्ड हो क्या वहीं का वहीं पहुंच जाएगा क्या बन जाएगा फिर से बताओ भाई हमारे पास यहां पर आर क्या सी डबल बॉन्ड हो एच और क्या वाटर पहुंच जाता है प्रॉब्लम क्यों आई क्योंकि मीडियम में क्या था मतलब अगर ये विदाउट एच पॉजिटिव बना होता तो क्या स्टेबल हो जाता अब विदाउट एसपोस्टिव स्टेबल तभी हो पाएगा जब वाटर बिना एसडी मीडियम इस पर अटैक कब अटैक करेगा आप खुद बताओगे कब कराओगे जब इसके नॉर्मल से नीचे और नॉर्मल से नीचे लेवल पे लाया जा आप बताओ कैसे एंगल स्टेन को बढ़ाकर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के या जो दोनों जो बनते हैं इनको किसी और एक्स्ट्रा चीज से स्टेबल कर दिया जाए नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलो मेरे भाई अब बताओ जो आपको पढ़ाया जाता है कि एक कार्बन पर एक से ज्यादा ओएच स्टेबल नहीं होते एक्चुअल कहानी कुछ इस प्रकार से है कि वाटर एक कार्बन पर एक से ज्यादा ओएच लगा सकता है समझना कार्बोनाइल पर एक से ज्यादा ओएच हो सकता है अगर वाटर वहां अपने आप अटैक कर जाए नहीं है भाई अगर अपने आप अटैक नहीं कर पाया तो एक्चुअल में वो बनता ही नहीं अगर बना भी दिया तो वापस टूट जाएगा क्लियर है छाप लीजिए हम लोग आपको उल्टा पढ़ाते हैं एक कार्बन पर दो स्टेबल नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि कार्बोनाइल पर वाटर अपने आप अटैक करके दिक्कत है, है दो ओवस बन तो जाते हैं फिर जैसे ही बनते हैं फिर मीडियम में टूट जाते हैं इसलिए कोई फायदा होता ही नहीं है तो आपको रिजल्ट पढ़ा दिया जाता है कि एक कार्बन पर एक से ज्यादा ओव दिखे तो स्टेबल नहीं है एक्चुअल कहानी इस प्रकार से है अब बताइए क्या एक कार्बन पर एक से ज्यादा ओएच लाया जा सकता है कैसे अगर अगर आपका कार्बोनाइल पर वाटर अपने आप अटैक कर जाए तो वहां दो स्टेबल हो जाएगा विदाउट मीडियम अटैक कराना है तो एच डी मीडियम लेने में क्या दिक्कत है बंद हो जाएगा फिर वापस क्या करेगा इसका प्रोटोनेशन बाहर जाएगा पॉजिटिव डबल बॉन्ड वापस बन जाएगा ऑनलाइन तो करते थे क्लास का कहां छूटा हुआ दिवाली बाद आई नहीं आप दिवाली बात तो आए नहीं आए थे एक दो बिग नहीं आए हो ठीक हाँ, इनका क्वेश्चन है सब एक काम करो बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने सब एक काम करो अगर कर बेस ले आए तो क्या होगा तो आप यहां क्या लेके आओगे आओगे क्या करेगा ओए निगेटिव बन जाएगा अटैक कराओगे क्या बनेगा और निगेटिव यहाँ क्या बनाओगे ओएच वापस अटैक करके बाहर निकाल देगा कुछ फायदा होने वाला कैसे बनाओगे लास्ट में, लास में बेस क्यों लेके आ रहे हो आप बेस तो पहले मिलाना पड़ेगा ना जैसे बेस मिलाओगे फिर से ओ नेगेटिव निगेटिव अटैक किया बना नेगेटिव बना ओ फिर अटैक किया फिर बाहर निकल दिया फिर जुड़ेगा फिर निकलेगा फिर अल्फस निकलना शुरू हो जाता है नाम हो जाता है फिर नेम अगला वही पढ़ोगे आप लिख लिया आप अब लिखो इन जनरल एट वन कार्बन इन जनरल एट वन कार्बन मोर देन वन ओ इन जनरल एट वन कार्बन More than one OH is not stable. It immediately eliminate water molecule. It immediately eliminate water molecule. हाँ भाई, अब बताओ क्या कार्बोनाइल पर वाटर अटैक कराके दो OH बना सकता है? बोलो कितने फैक्टर हैं? लिखो चलो भाई समझिए आप आपसे क्वेश्चन पूछा गया दर देखिए मैंने कहा भाई हमारे सामने यहाँ पर आया cf3 यहाँ पर आया c डबल बॉन्ड oh आपसे क्वेश्चन पूछा गया h2o अब आप मुझे बताओ ये रिएक्शन हो सकती है कि नहीं आप बताओगे कैसे देखा आपने वीक न्यूक्लियोफाइल है एंटी बॉन्डिंग क्या हो गया नीचे कैसे बॉन्ड चला इलेक्ट्रॉन विड्रॉय के अटैक कर जाएगा टैक करती है टूटेगा क्या बनाएगा बेटा सी एफ थ्री बताइए सिंगल बॉन्ड में जाए एक बार कोशिश अटैक करेगा वापस निकालेगा जहां से आए थे वहीं का वहीं एक पॉसिबिलिटी ये है कोई फायदा होने वाला नहीं है एक चीज और हो सकता है बना हुआ यहाँ से अटैक कर ले अरे यहाँ ओ से लगा ऑक्सीजन को पॉजिटिव हटाना या तो बॉन्ड तोड़ोगे वही पहुंच जाओगे या क्या कहेंगे एच को और जैसे एच को हटा हुए कहाँ पहुँच जाएगा ओ के पास क्या ये निगेटिव यहाँ से एच को ट्रैक कर सकता है क्या बन के आएगा बेटा यहाँ पर सी यहाँ पर आया सी यहाँ पर आया एफ एफ यहाँ पर आया एफ सी यहाँ बताओ बेटा ओ एच यहाँ बताओ भाई ओ एच यहाँ पर कौन आया एच स्टेबल है, है कि अनस्टेबल जो आप जो वाटर अपने आप अटैक कर जाए वहां पर स्टेबल है उसे तो कोई तोड़ने वाला नहीं है क्योंकि इस बार आपके मीडियम में क्या नहीं है एच पॉजिटिव नहीं है इसका प्रोटेक्शन करा के निकाल दो आप बोलो मेरे भाई क्या ये स्टेबल दिख रहा है आपको क्वेश्चन है क्यों स्टेबल है आसान है भाई क्योंकि अपने आप अटैक कर गया और उसके बाद अगर ध्यान से देखो यहाँ पर कुछ और भी हो रहा है क्या हो रहा है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो रहा है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे आप मुझे बताओ इस कंपाउंड का नाम होता है क्लोरल क्या नाम होता है भाई क्लोरल शायद सब नाम सुना होगा सी सी एल थ्री सी डबल बॉन्डो एच क्या नाम होता है बेटा इसका क्लोरल अगर आपने यहाँ पर वाटर का अटैक कराया मेरा क्वेश्चन है अटैक होगा कि नहीं पहले ये बता दो बस बोलो यार ये कैसा ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विद इलेक्ट्रॉन विद ग्रुप है यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ाएगा एंटीबॉडी नीचे हुआ वीक वी न्यूक्लोफाइट अटैक कर जाएगा और जहां जहां पर वाटर विदाउट एस पॉजिटिव अटैक कर जाए वहां पर दो स्टेबल है कोई दिक्कत नहीं है बोलो मेरे भाई पक्का क्या बन किया है बेटा यहाँ पर इसे बोलते हैं हम लोग क्लोरल हाइड्रेट क्या बोलते हैं बेटा क्लोरल हाइड्रेट क्या बनाया आपने ओ एच यहाँ बताओ भाई ओ एच यहाँ क्या बन किया है एच यहाँ भी यहाँ भी क्या हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं कहीं पर शो करता है क्या बोलते हैं बेटा हम लोग क्लोरल हाइड्रेट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका सेकेंडरी फैक्टर है अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब होगा जब पहले बने तो अब बना क्यों इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप था पॉजिटिव बढ़ाया नीचे अपने आप अटैक हो गया नहीं आया छापिए अब बताओ एक कार्बन पर मोर देन वन ओ स्टेबल होता है अनस्टेबल इन जनरल अनस्टेबल आपको चेक करना पड़ेगा कि कहां कहां पर स्टेबल है तो दो तीन फैक्टर है हिंड्रेंस मिनिमम कर दो इलेक्ट्रॉन विद ग्रुप लगा दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा दो ये सब कहानी है एंगल स्ट्रेन कम कर दो तब वहां पर स्टेबल किया जा सकता है एक्चुअल कहानी क्या है कि आप वहां पर कार्बोन पे वाटर अपने आप अटैक कर जाता है जहां अटैक कर जाए वहां में कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम तो में सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कहां पर दो ओएच स्टेबल है समझ जाओगे बाजू में क्या लगा हो इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप या हाइड्रोजन वॉर्डिंग करने वाला या एंगल स्ट्रे में रिलीफ मिलता हो या हिंड्रेंस मिनिमम हो तो वहां पर क्या होता है स्टेबल हो जाता है हटाओ ये सब चाहो तो अपने लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो कि एक कार्बन पर दो स्टेबल कब कब होते हैं जब उसके किनारे क्या लगा हो इलेक्ट्रॉन विद्राॅइंग एंगस्ट्रीन में रिलीफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी एक से भी काम बन जाएगा ज़रूरी नहीं है तीनों हो हटाओ बेटा इसे ओके समझिए आप मुझे बताओ आपके पास एक कंपाउंड बहुत बढ़िया से लिखा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड हो यहाँ पर आया सी डबल बॉन्ड हो यहाँ लिखा बेटा हमने वाटर विदाउट मीडियम आपको रिएक्शन करानी है क्या रिएक्शन हो सकती है बोल लो अब डबल बॉन्ड हो यहाँ भी मीडियम जब ही नहीं है डबल बॉन्ड हो यहाँ भी डबल बॉन्ड हो यहाँ भी डबल बॉन्ड हो यहाँ भी कितने मेंबर रिंग है पांच पांच में एंगस्टे इतना नहीं होता तो एंगस्टे वाला कॉन्सेप्ट नहीं है ध्यान से देखना ये डबल बॉन्ड क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज है ये वाला भी ये वाला रेजोनेंस नहीं करेगा तो क्या बात कर रहे डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल यहां पर निगेटिव यहां पर चार सिंगल डबल कहां पहुंच जाएगा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव इतना स्टेबल नहीं है अरे भाई तो ये डबल बॉन्ड रजेंस करने वाला ये वाला ये वाला जरा रिएक्टिव कौन वा किनारे वाला बीच वाला समझ में आ रही बात अगर बीच वाला ज्यादा रिएक्टिव है तो आप चेक करेंगे कि विदाउट मीडियम रिएक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा समझना क्या ये वाला ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन विद दिख रहा है माइनस एम से बोलो तो इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप ये भी है माइनस आई लगा लो आप इलेक्ट्रॉन विद ये भी है तो क्या यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगा तो इस पर अटैक होगा कि नहीं होगा अटैक कराओगे तो जैसे अटैक कराया ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा क्या बनाओगे बेटा यहाँ बन गया आया सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ बताइए भाई सी डबल बॉन्ड ओ कार्बन यहाँ पर आया ओ यहाँ पर आया एच यहाँ पर आया ओ यहाँ पर आया अच्छा आप देख ध्यान से देख के बताओ यहाँ पर एक चीज आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है क्या मिल रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबल या अनस्टेबल बोलो भाई स्टेबल इसके पीछे जो आपने लिखा था ये भी कैसे थे भाई हमारे सामने स्टेबल तो क्या एक कार्बन पे आपके पास एक से ज्यादा ओ एच स्टेबल हो सकते हैं हाँ कोई दिक्कत नहीं है जनरली नहीं होते आप मुझे बताइए यहां पर रिएक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगी एस टू वो बताओ भाई ये कार्बन कैसा भी हमारे सामने एस पी टू हाइबाइट एंगल स्ट्रेन क्या है ज्यादा है रिएक्शन करा लो भाई इसके ऊपर क्या बनाओगे ओ OH एच यहाँ पर आया ओ एच यहाँ पर कैसा बन गया बेटा एस पी थ्री एंगल स्ट्रेन में क्या पहले से ज्यादा रिलीफ मिला है पहले 120 होना चाहिए था, था था 60 अब, था था अब कितना बेटा 109 होना चाहिए 60 स्ट्रेन में क्या कमी आई है तो यहाँ से यहां जाने फायदा है नुकसान बोलो मेरे भाई क्या बोलोगे आप यहाँ पर कैसा हो गया ये भी स्टेबल है अरे एंगल स्ट्रेन ज्यादा था एंटीबॉडी नीचे था अपने अटैक कर जाएगा जहां पर वाटर अपने आप अटैक कर जाए वहां दुएज बनाने हमें कोई दिक्कत नहीं है सिंपल इतनी बात है तो साहब एसडी मीडियम में लेके आप एंटीबॉडी नीचे ले आओ लेके तो आए थे रिएक्शन हो भी गए थे फिर एच डी मीडियम में होने से वापस वो टूट गया था फायदा नहीं हुआ था तो विदाउट मीडियम करानी रिएक्शन ठीक है इसमें एक क्वेश्चन और आता है फॉर्मल डिहाइड यहां लिखा बेटा हमने H यहां लिखा C डबल एच नाम क्या होता है इसका फॉर्मल डिहाइड अब क्वेश्चन आता भाई फॉर्मेल डिहाइड में अगर आप वाटर से रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन होगी कि नहीं होगी सुन लो भाई एक तो H का कोई इफेक्ट नहीं होता ना प्लस आई नाम से पाया था यार तो इसके एंटीबॉडी को ना कोई ऊपर ले जाने वाला ना कोई नीचे ले जाने वाला दूसरी बात यहाँ एच की खोपड़ी होती ही नहीं है हिंड्रेंस मिनिमम है तो यहां पर विदाउट इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग लगा के भी काम बन जाता है और ये कंपाउंड आपका एग्जिस्ट करता है इस फॉर्म में ओ एच एच यहाँ क्या नाम होता है ओ एच ये भी स्टेबल होता है और इसका नाम होता है फॉर्मलिन क्या नाम होता है बेटा आपका जो फॉर्मल डिहाइड होता है नेचर के अंदर इस फॉर्म में मिलता है फॉर्मलिन के फॉर्म में समझिएगा तो यहाँ क्यों टैक कर गया हिंड्रेंस मिनिमम था हिंड्रेंस क्या था मिनिमम क्वेश्चन तो का पढ़ाने का सिर्फ इतना मकसद था कि आपका एक कार्बन पर एक से ज्यादा जनरली स्टेबल नहीं होता है बट स्टेबल किया जा सकता है। कुछ फैक्टर्स थे जो कि आपने पढ़ लिया शुरू करें आगे आगे देखिए रिएक्शन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट क्या इस पर आप पाँच छः सात स्टार बना लो इस पर क्वेश्चन डायरेक्टली आता है रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विथ अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव। रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विथ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। चलो शुरू करते हैं हाँ जी भाई मैंने कहा हमारे पास आया आर सी डबल मो एच अब अमोनिया अमोनिया डेरिवेटिव को लिखने से बढ़िया है मैं आपको एक काम कर देता हूँ यहाँ लिख देता हूँ बेटा एन एस टू यहाँ लिखता हूँ मैं जेड अब सर जेड क्या है जेड आपकी मर्जी कुछ भी लगाओ आप जैसे यहाँ अगर ऐसे लगाते तो क्या बन जाएगा अमोनिया बन जाएगा और डेरिवेटिव बनाना तो आप जेड को उठाइए और लगा दो आर लगा दो तो अमीन तो बन जाएगा बोलो भाई हमें इससे रिएक्शन कराना है तो पहला क्वेश्चन है स्ट्रॉन्ग है वीक है मेरा बोलना तो पड़ेगा किसके थी 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 लिए किसके लिए किसके लिए पाई स्टार के लिए देखो ना सिग्मा स्टार के तो स्ट्रॉन्ग था बट पाई स्टार के लिए कैसा होता है वीक तो आप मुझे बताओ ये रिएक्शन तभी हो पाएगी जब आपका पीएच रेंज कैसा हो साहब छह से चार के बीच में पढ़ाया था भाई अब इसमें होता क्या सुन लो आप यहां से ऑक्सीजन हटा दो यहां से क्या हटा दो एच और दोनों को हटा के बना दो आप यहां पर आर सी यहां पर आया एच डबल क्या क्या बन बेटा तो इसे हम लोग बोलते हैं कैसे समझाऊंगा आपको और रिजल्ट दिखा रहा हूं मैं और क्या निकाल दिया हमने यहाँ से एस टू यहाँ से क्या निकाल दिया बेटा ओ क्या वाटर निकल चुका है इसे हम लोग बोलते इसके अंदर दो रिएक्शन परफॉर्म हुई है पहला हुआ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देन हुआ है एलिमिनेशन तो लिखिए बनाओ लिखो इसको अब मैकेनिज्म क्या है? सब समझाऊंगा बार लिख लो बस फटाफट इन दिस रिएक्शन इन दिस रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देन एलिमिनेशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देन एलिमिनेशन रिएक्शन इज परफॉर्म अच्छा क्वेश्चन है ये Addition, then is हाँ भाई तो कैसे हुई पूरी कहानी समझते चलो अगर मैं इसकी की बात करूं क्या इन दोनों को मिला के डाल दिया एसिड मना किया था मैंने यार और आपने इन दोनों को मिला के डाल लोगे तो इसका भी क्या हो जाएगा प्रोटोनेशन जो कि हमें कराना नहीं है पहले इसको लो उसमें थोड़ा थोड़ा क्या डालो आप एच पॉजिटिव तो पहले आपका कार्बोनाइल का हुआ प्रोटोनेसन एच पॉजिटिव आया क्या किया बेटा इसका प्रोटोनेशन क्या बन के आया आर सी डबल बॉन्डो एच यहां पर आया पॉजिटिव यहां पर आया एच ऑक्सीजन पे कभी भी पॉजिटिव आए तो अपने पॉजिटिव हटाने के उसके बाद कई सारे तरीके होते हैं अगर एच को हटाएगा तो जहां से आया था वहीं का वहीं एक तरीका और है क्या इस बॉन्ड को ब्रेक कर ले क्या बन के आएगा बेटा आर सी यहां बताइए ओ एच यहां बताओ एच क्या पॉजिटिव आ गया अब जैसे यहाँ पॉजिटिव बनेगा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटिव बढ़ते इसका एंटी बॉन्डिंग क्या आ गया नीचे क्या बन? वीक से वीक न्यूक्लियो भी इस पर अटैक कर जाएगा और वीक न्यूक्लियो फाइल हमारे सामने कौन था जेड क्या तो तुरंत यहाँ पर क्या कर जाएगा ये अटैक और जैसे इसने अटैक किया क्या बन के आया आर सी यहाँ बताओ ओ एच यहाँ बताइए एच यहाँ क्या बन के आया एन एच एच यहाँ क्या बन के आया बेटा पॉजिटिव यहाँ बताओ जेड नाइट्रोजन हो ऑक्सीजन हो कभी भी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अपने पॉजिटिव को हटाने का तरीका बताइए या तो H को हटाएगा अगर H को हटाएगा भाई हमारे सामने तो अलग कहानी हो जाएगी अब बॉन्ड को तोड़े तो जहाँ से आए तो थे वहीं बन गया अरे बॉन्ड को भाई बॉन्ड तो या तो ये टूटेगा तो या, या तो ये टूटेगा यहाँ तोड़ने फायदा है क्योंकि यहाँ क्या बनेगा पॉजिटिव बोलो मेरे भाई ये अगर H को हटाएगा तो क्या बन गया बताना हाँ भाई R सी यहाँ बताओ फिर यहाँ बताइए यहाँ पर यहाँ पर कौन फ्री हो गया अरे हुआ कि नहीं हुआ अब रुकिए यहीं पे समझने वाली चीज है क्या एन के पास लोन पेयर है कि नहीं है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है कि नहीं है सर में क्या पड़ा हुआ है एच पहले जाएगा एन के पास या ऑक्सीजन के पास मुझे नहीं पता एन के पास या ऑक्सीजन के पास किसके पास पहले जाएगा और इसका ई कम है इसकी इसके विशेष क्या है ज्यादा अगर यहां जाएगा तो क्या जहां से जाए थे वही पहुंच जाओगे कोई बेनिफिशियल काम नहीं होगा जाता तो इसी के पास है पर वही पहुंच जाता है तो अब क्या करेगा क्यों सर सर इसकी बेसिस तो ज्यादा थी बिल्कुल ज्यादा थी मना नहीं कर रहा गया भी इसी के पास था पर यहीं पहुंच गया फिर टूटेगा फिर बनेगा फिर टूटेगा फिर बनेगा क्या एक कंडीशन ऐसा कुछ मालिकों यहां जाकर चिपक जाए और जैसे यहां चिपकेगा रेसर आगे प्रोसीड हो जाएगी बोलो मेरे भाई ये तो नहीं पूछो कि साहब यहां क्यों नहीं गया गया था वापस आ गया आया कि नहीं आया क्योंकि कोई बेनिफिशियल काम नहीं हुआ अगर आपने यहां से कराया प्रोटोनेशन तो क्या बन किया बेटा और सी यहाँ बताओ ओ एस टू पॉजिटिव यहाँ बताइए एच यहाँ बताओ एन यहाँ बताओ एच यहाँ बताओ बेटा जेड अब आप खुद बताओ क्या होने वाला है यहाँ पर नाइट्रोजन के पार लोन पे उसी के बाजू पे लिविंग भी सुपर लिविंग ग्रुप क्या तुरंत अटैक करके इसको बाहर निकाल देगा क्या बन के है बताना बेटा हमारे पास यहाँ पर आर यहाँ बताओ सी एच डबल बॉन एन यहाँ बताओ एच यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ क्या बन के आया जेड कौन फ्री हो गया वाटर ये तो निकाला था मैंने स्टार्टिंग में अब क्या होगा यहां से वापस बोलो भाई H प्लस निकल जाएगा तो आपने बनाया H2O टू ओ फिर बनाया H पॉजिटिव और क्या बनाया बेटा आपने R सी क्या डबल बॉन एंड और जेड आ चुका है इस पूरे रिएक्शन का ध्यान से आप देखो तो ये वाला पार्ट जो हमारे सामने है क्या ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन था देखो भाई न्यूक्लियोफाइल ने क्या क्या जुड़ गया अगर यहां से लेके आप यहां तक देखो क्या मिलने वाला है बेटा एलिमिनेशन नहीं समझ में आया तो इसमें दो पार्ट हुआ है पहले क्या हुआ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फिर क्या हुआ है और क्यों ऐसा हुआ क्योंकि एन के पास क्या था लोन पे और को अच्छा लिविंग ग्रुप बना के वहां से उसने बाहर कर दिया आया कि नहीं आया अगर आप याद करो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था एमाइड का रिडक्शन तो वहां पर सीओ का पहले होता ओएच बनता है उसी कार्बन पे ओएच भी, भी है उसी पे एन भी है ओएच क्या हो गया था साफ

तो अपने आप हो जाती है एंगल स्ट्रेन होता तो अभी हमें की जरूरत इतनी नहीं होती है आर है सी एस थ्री ग्रुप है इथाइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है पॉजिटिव को खत्म कर रहा है तो हमें मिलाना ही पड़ेगा पॉजिटिव तभी बात बन पाएगी भाई आपके पास तीन तरीके थे या तो एंटी एंटीबॉन्डिंग नीचे लाने के तीन तरीके या तो आप एंगल स्ट्रेन बढ़ा दो तो एंटीबॉन्डिंग अपने आप नीचे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन विड लगा दो अपने आप एंटीबॉडी नीचे आ गया और इलेक्ट्रॉन ड्रोडिंग लगा रखा है तो आपको एंटीबॉडी खींच के नीचे लाना पड़ेगा और कैसे लेके आते हो बाई प्रोटोनेशन वो है तरीका पहली क्लास में ही सब सिखाया था मैंने आपको रिएक्टिविटी के अंदर जल्दी लिखिए फटाफट लिखिए इसके बाद एक चार्ट बनेगा ढंग से बनाना इस इसपे भर भर के क्वेश्चन आते हैं बायोमोलिक्स क्लास हुई पूरी क्लास कर लेना ढंग से खास करके नोट्स जरूर बना लेना क्योंकि जब मैं दोबारा पढ़ाऊंगा तो मैं आपको दो क्लास में सब निपटा दूंगा क्योंकि नोट्स बना बनाया रहेगा समझे आप इसीलिए बोल रहा हूँ पूरा नोट्स आपको तैयार करना है बढ़िया से चार पाँच छः लेक्चर मुश्किल से बस यही पढ़ाएंगे बस वो फिर मेरे लिए पढ़ाना आसान हो जाएगा क्लास जरूर करना मैं दोबारा पढ़ाऊंगा कब जब आप नोट्स पूरा कर चुके होंगे, जिसे मुझे नोट्स वापस बनवाने की जरूरत नहीं है सीधा के एक्सप्लेन कर दूंगा फटाफट फटाफट फट फट। दो क्लास में निपटा दूंगा पूरा एक क्वेश्चन फिक्स है मेंस में भी एक क्वेश्चन फिक्स है एडवांस में बोर्ड्स में भी है ढंग से पढ़ लेना हटाओ ये सब लिख लिया लोगों ने बहुत स्लो यार आप लोग लिख लो पीछे से कॉपी खोलकर के लिख लो हटाओ इसे चलिए अब देखो भाई हमारे सामने क्या है इफ जेड ग्रुप हमारे सामने अलग अलग हो तो रिएजेंट क्या बनेगा और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा यह पूछा गया है ठीक है भाई हाँ जी अगर आपका रिएजेंट खुद बताओ अगर बेटा जेड हमारे सामने एच हो जाए क्या हो जाए बेटा तो बताओ रिजेंट जो आपका एन एच टू जेड था वो क्या बन जाएगा जल्दी बताओ क्या अमोनिया बन जाएगा अब अब अमोनिया से रिएक्शन कराओगे तो आपका जो प्रोडक्ट बन के आया था ऐसा कुछ था देखो भाई आर सी एच क्या डबल बॉन एन और यहां जेड बना हुआ था देखो ना ये बनाया था मैंने क्या बन जाएगा बताना क्या बन जाएगा आर सी एच क्या डबल बॉन एन एच बन जाएगा बेटा इसे हम लोग बोलते हैं इमीन क्या बोलते हैं बेटा इमीन तो आपसे एग्जाम में सीधे पूछेगा वेन अमोनिया रिएक्ट विद आपका कार्बोनाइड कंपाउंड इन मीडियम देन कौन सा प्रोडक्ट बनता है इमीन इमीन बोलते बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या सी डबल एन आर को अपने जेड को लगा दिया यहां पर आर तो ये क्या बन जाएगा एन एनएस टू आर तो आप इसे लिख सकते हो आर एन एस टू नाम क्या होता है इसे क्या बोलते इसे वन डिग्री अमाइन क्या बनाओगे बताओ यहां पर आर सी एस डबल वन एन यहाँ क्या बन गया है बेटा आर इसे बोलते हैं हम लोग सिर्फ बेस क्या बोलते हैं बेटा ये हमने पहले भी कहीं सुना हुआ है सिर्फ रिएजेंट अब मजेदार बात क्या सिर्फ बेस अलग होता है सिर्फ रिएजेंट अलग होता है सिर्फ रिएजेंट क्या था हमारे सामने वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था क्या था एनहाइड्रोज डाई और सिर्फ बेस क्या होता है जब आपका किससे करता है बोलो भाई वन डिग्री अमाइन से तब फर्क है दोनों में बोलो मेरे भाई आर को यहाँ पर जेड को आपने रखा ओ एच तो क्या बनेगा कंपाउंड क्या नाम होता है, है हाइड्रोक् रिएक्शन कराओ क्या के आएगा बताना यहां पर आर सी एस डबल वन एन यहां बन के आएगा ओ एच इसका नाम होता है ऑक्साइम क्या नाम होता है बेटा ऑक्साइम ठीक है अगर आपने इसको रखा एन एस टू बताओ क्या बन के आएगा हेलो क्या बन के आएगा एस टू एन एस टू नाम बताओ नाम होता है इसका हाइड्राजीन, क्या नाम होता है भाई हाइड्राजीन, रिएक्शन कहाँ से कराओगे इस वाले एन एस टू से इस वाले से किससे रिएक्शन कराओगे किसी से करा लो कर कोई फर्क नहीं पड़ता क्या बनाओगे बेटा यहाँ पर आर सी एच डबल वन एन यहां बन के आया एन एस टू नाम होता है इसका हाइड्राजोन तो हाइड्राजिन से क्या बन किया हाइड्राजोन समझ में आई बात डबल रिएक्शन कराया है अच्छा मुझे बताओ अगर मैंने यहां पर इसका लगाया पीएच हेलो लिखो साथ साथ भाई तो ये क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास ये बन जाएगा एन एस टू एन एच पी एच अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है लोन पेयर यहां भी है लोन पेयर यहाँ भी रुक जाओ डबल बॉन्ड रखा होगा एल डी का क्वेश्चन आया अटैक यहां से करें अटैक यहां से करें, आप बताओगे मैं नहीं बताऊंगा तो पिच वाले से किनारे वाले से, तो वाले से क्यों तो वाले से, अरे ये वाला है लोकलाइज ये कैसा है डी लोकलाइज अटैक से होगा यहां से और जहां अटैक हो रहा वहां पर दुअच लगा हुआ है को हटा दो समझ में नहीं आई बात फ्रॉम दिस साइड लोकलाइज लोन पेयर है इसकी ज़्यादा होगी, समझ में आई बात? क्या बना बेटा, हमारे पास पर बन बन है, अब रुको, रुको, रुको इसका नाम क्या लिखेंगे बड़ा आसान ऊपर देखिए, इसका नाम क्या था हाइड्रोजिन नाम था ना तो यहां से मैंने एक एस के लगा दिया तो नाम क्या हो गया फिनाइन क्या नाम हो गया और पूरा कहानी वही है क्या नाम हो गया फिनाइल हाइड्राजीन क्या नाम हो गया भाई इसका नाम हो गया फिनाइल हाइड्रोजिन तो ये क्या बनेगा इसका नाम होगा फिनाइल हाइड्रोजोन लिखिए लिखिए फटाफट लिखिए इस चार्ट से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं ऐसे डायरेक्ट बिल्कुल आता है ऐसे वैसा बड़ा इसका एप्लीकेशन थोड़ा कठिन है कितना आसान दिख रहा है इतना आसान है नहीं थ्योरी पार्ट तो खत्म है दो और लिखना ख़त्म हो जाएगा बट इतना आसान नहीं चीज़ें हैं इसकी रिएक्शन में कहाँ कहाँ इन्वॉल्वमेंट होता है पूछा कैसे जाता है वो कठिन पार्ट है इसके बाद सीखोगे आप नहीं है इमीन है ये सिर्फ बेस एस सी एच आई डबल एफ बेस लिख लेना लोक लाइन लोन पे सो अटैक फ्रॉम दिस साइड ऑन कार्बोनाइ लिखना एरो बना के लोक लोन प्यार, सो अटैक फ्रॉम दिस साइड ऑन कार्बोनाइल कंपाउंड ये भाल जाओ अटैक से कराना है हटाया जाए चलिए आपको सिग्नेचर लिखना है मेरे पास जगह नहीं था मैंने लिखा बेटा यहां पर ऐसे एन एच यहां बनाया एनओ टू यहां बनाया एन ओ टू बताओ भाई रिजेंट क्या बन के आएगा बताओ कहा लगा था ये एनएस के ऊपर तो क्या बन जाएगा ये एस टू एन एच एनओ टू एनओ टू बन गया भाई हाँ जी अब क्वेश्चन का नाम क्या होगा ऊपर देखो जब ये नहीं होता तो नाम क्या था एनएस टू एस टू नाम क्या था उसका हाइड्रोजीन फिर मैंने एनएस टू को एन एस वन लगाया लगाया नाम क्या हो गया था फिनाइल हाइड्रोजिन उस फिनाइल के अंदर भी क्या लगा दिया मैंने कितने बार कहाँ कहाँ लगाया नंबरिंग करिए वन टू थ्री फोर कहाँ कहाँ लगा है टू और फोर पे कौन सा एन ओ टू तो नाम क्या हो गया टू फोर डाई नाइट्रो बोले मेरे भाई क्या नाम हो गया टू फोर डाइ नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजिन समझ में आ रहा है क्या नाम लिखेंगे बताओ उसका टू फोर डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन शॉर्ट फॉर्म होता है इसका टू फोर डी एन पी ये बहुत पूछा जाता है क्या लिखा है? बताओ ये फुल फॉर्म होता है इसका टू फोर डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजिन ये इसका शॉर्ट फॉर्म है बहुत पूछा जाता है ये इसका एक नाम और भी होता है बी आर ई ए डी वाई ब्रेडी रिजेंट बोलते हैं आया कि नहीं आया भाई अब बताओ जब रिएक्शन कराओगे यहां पर वापस एनएस टू भी है यहां भी है एनओ टू भी है आपके कार्बोनाइल पे पीएच रेंज फोर टू सिक्स पे अटैक होगा कौन कहां से अटैक करेगा यहां से यहां से क्या बनाओगे बताओ जब भी हम लोग जब भी हम लोग कार्बोनाइल के रिएक्शन कराएंगे एनएस टू के साथ में कुछ भी लगा लो यहां से कौन जाता है एच और वहां से कौन जाता है ओ कैसे जाता सिखा दिया एडिशन एलिमिनेशन से क्या बन के आएगा बताओ आर सी एच डबल बॉन्ड एन आ गया भाई फिर क्या बन के आएगा बेटा यहां पर एन एच क्या बनाओगे यहां पर एन ओ यहां बताओ भाई एन ओ क्वेश्चन इसका नाम क्या बना, क्या लिखोगे अरे भाई आप खुद अरे आप खुद बताओ इसका नाम क्या लिखा था इसका नाम तो उसका नाम भी क्या होगा फिनाइल हाइड्रो होगा। बट उसके आगे कुछ और जुड़ जाएगा क्या टू फोर तो क्या नाम होगा बताओ टू फोर डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन और बेटा ये जो आपका होता है ये रेड और येलो और ऑरेंज कलर का पीपीटी होता है और ये रिजेंट यूज किया जाता आपको में। में है आपको कार्बोनाइल कंपाउंड के डिटेक्शन में किसमें करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड एनसीआर के चार्ट के नीचे स्टार बना के लिख रखा है स्टेटमेंट समझे क्या सब लिखाऊंगा एक बार लिख लो फटाफट चार्ट लिख लो लिख लिए साथ साथ लिखते रहो अब यहां लिखा उसके बाद मैंने हाँ भाई यहाँ लिखा मैंने एन एच सी डबल वॉन्डो एन एस टू हाँ भाई हेलो हेलो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये कहाँ लगाना है इसको एनएस टू जेड में तो जेड ये हो गया तो क्या बन जाएगा बताओ अरे एनएस टू के बाद जेड ये था भैया मेरे क्या बन के आएगा ये और ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है आपसे इसमें गलती करा के ही मानता है वो उसका नाम होता है सेमी कार्बाजाइड क्या नाम होता है भाई सेमी कार्बाजाइड रुक जाओ अभी तक आपने जितने भी पढ़े हैं ना सब में एनएस टू एक ही था एक में दो था वो था एनएस टू एनएस टू सिमेट्रिकल था कहीं भी करा लो इस रिएक्शन का ध्यान से देखो हमारे पास एनएस टू यहां भी मिलेगा एनएस टू यहाँ ही मिलेगा भाई ये तो एन है और ये कई बार उल्टा करके लिख देता है और आपको समझ में आता करना क्या है दिमाग लगाइए लोन पेयर यहां भी है लोन पेयर यहां भी है लोन पेयर यहां भी है आपके कार्बोनाइल पे अटैक करेगा कौन रा, लेफ्ट राइट वाला लेफ्ट वाला कैसे देखा आपने ये लोन पेयर कैसा है लोकलाइज ये कैसा है बेटा ये कैसा है है ये कैसा हमारे पास है डीलोकलाइज इसका लोन पेयर जरा ऑक्सीजन के पास तो अटैक कहां से होगा यहां से यहां से जब भी एग्जाम में आता है उल्टा लिखा आता है ऐसे क्योंकि आपको याद होता है एनएसटू दिख जाए बॉन्ड बना दो अरे दिमाग में भी ध्यान रखना अटैक कराना है वहाँ पर एडिशन कराना फिर होता है एलिमिनेशन तो अटैक से होगा यहां से क्या बनाओगे बताओ आर सी एच डबल बॉन्ड एन एन एच सी डबल बॉन्डो एन एस टू लिखो। तो इसमें विशेष ध्यान रखना है आपको क्योंकि यहां पर एनेस टू दो दिखते हैं आपको तो लिख लेना क्यों अटैक वहां से हुआ और जिंदा बेंजीन करो भाई ऑक्सीजन दे दो इसको मरा हुआ बेंजीन बना रखा है तो सारी रिएक्शन एक जैसी ही है जेड चेंज हो रहा है एनएस वैसे का वैसा लास्ट वाले में एनएसटू दो थे तो अटैक कहां से हुआ यह आपको विशेष सावधानी रखनी है चाहो तो वहां लिख लो अटैक यहीं से होगा क्योंकि इसका लोन पेयर कैसा है लोकलाइज तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी ज्यादा और किनारे वाले का कैसा है लोन पेयर डीलोकलाइज है तो वहां से अटैक नहीं होगा एग्जाम में इसी कंपाउंड को उल्टा लिख देगा ऐसे लिख देगा उल्टा करके एनएस टू सी डबल बॉन्ड को एनएच एन एस टू तो आपको तो याद होता है एन टू दिखे बॉन्ड बना दो गड़बड़ हो जाएगा अटैक कहां से कराना है ये भी ध्यान रखना है चलिए लिखिए सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट चार खत्म हो गया आइए भाई चलिए पहले बात करते हैं यहां पर हाँ जी रुको आपका कार्बोनाइल कंपाउंड जब किससे रिएक्शन किया अमोनिया से तो क्या बनाया बोलो भाई इमें तो लिखिए पहला पॉइंट में जो मेजर पॉइंट है जो एग्जामिनर पूछता वो लिखा रहा हूं मैं वैन कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन वैन कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विथ अमोनिया धैन ईमीन इज फॉर्म धैन ईमीन आई एम आई एन ई धैन ईमीन इज फॉर्म एज अ मेजर प्रोडक्ट इमीन इज फॉर्म एज अ मेजर प्रोडक्ट एक्सेप्ट 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 नहीं एक्सेप्ट फॉर्मल डिहाइड फॉर्मल डिहाइड कुछ अलग प्रकार से रिएक्शन देता है लिखिए वहां पर वेन फॉर्मल डिहाइड रिएक्ट विथ अमोनिया ट्रोपिन यूरोट्रॉपिन इज फॉर्म इसमें इमीन नहीं बनता अलग प्रोडक्ट बनता है इसलिए इंपोर्टेंट हो गया ये खुद देखो ना ऊपर देखो हेलो कितने अमुना ले रखा मैंने तो कितने नाइट्रोजन है अब चार नाइट्रोजन है तो एक सी एस टू यहाँ आ गया एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ चार तो यहाँ आ गए पाँच और छः तो छः लिखना पड़ेगा ये भी पूछ लेता है कि आप में जाकर यूरोट्रॉपिन बनता है उसमें कितने मोल आपके फॉर्मल डिहाइड यूज होते हैं छः यूज होते हैं यूरोट्रोपिन नाम लिखा है उसका वन डिग्री अमाइन वेन वन डिग्री अमाइन अब यहाँ पर अलग, अलग अलग बुक के अलग अलग मत है बट जो आपके लिए सही है मैं वो बता देता हूँ भाई कई कई बुक कहते नहीं भैया आपका एल्डिहाइड या एमिन में से कोई एक एरोमेटिक होना चाहिए ऐसा कोई रूल कहीं लिखा ये तो जगह लिखा हुआ बट ऐसा कोई रूल है नहीं कई लोग पढ़ा देते हैं आप मान भैया कि आप चाहिए क्या क्या होना चाहिए आपके पास एमीन कैसा डिग्री अब वो एरोमेटिक हो या एलिफेटिक उससे में लेना देना तो क्या लिखा आपने वेन वन डिग्री एमीन ब्रैकेट में एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों के लिए सही है ये ब्रैकेट में एलिफेटिक और एरोमेटिक रिएक्ट विथ एलडीहाइड यहां मैं किटोन की बात नहीं कर रहा हूं रिएक्ट विथ एल डी हाइड सिर्फ बेस इज फॉर्म देन सिर्फ बेस इज फॉर्म देन सिर्फ बेस इज फॉर्म क्वेश्चन लिखो उसी नीचे क्वेश्चन लिखो इन विच रिएक्शन सिर्फ बेस इज फॉर्म टू एस पॉजिव ए पार्ट बी पार्ट पी एच सी डबल बोन्डो एच सी एस थ्री एन एस टू एच पॉजिटिव सी पार्ट सी एस थ्री सी डबल बोन्डो एच पी एच एन एस टू एच पोजटिव डी पार्ट सी एस थ्री सी डबल वो सी एस थ्री सी एस थ्री एन एस टू चलो भाई अब सिर्फ बेस तभी बोलेंगे जब आपके एमीन की रिएक्शन किससे हो किससे हो एल्डिहाइड से कीटोन से रिएक्शन तो होगा इमीन हमारे सी डबल वन एन बनेगा बट उसे क्या नहीं बोलेंगे सिर्फ बेस, सिर्फ बेस तभी बोलेंगे जब इस तरफ क्या हो और दूसरा क्या हो वन डिग्री एमीन एरोमेटिक एलिफेट लेना देना नहीं है पहले वाले बनेगा अरे एल डी हाइड एल डी हाइड एल डी हाइड ये सब के सब कैसे हैं वन डिग्री एम एन यहाँ ही बन जाएगा यहाँ ही बन जाएगा यहाँ बन जाएगा यहाँ बनने वाला नहीं है तो सिर्फ बेस होने के लिए, लिए कंडीशन बताओ क्या है वन डिग्री एम एन चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक कहीं कहीं बुक में लिखा हुआ है कि इन दोनों में से कोई एक एरोमेटिक होना चाहिए बट ऐसा कोई कंडीशन एक दो बुक में लिखा हुआ है बट ठीक है आपके लिए क्या है कि हाँ भाई एल्डिहाइड होगा काम हमारा बन जाएगा ठीक है भाई चलिए टू फोर डी एन पी थर्ड पॉइंट वैन टू फोर डी एन पी रिएक्ट विथ कार्बोनाइल कंपाउंड देन रेड और ऑरेंज और येलो कलर्ड क्रिस्टल पीपीटी बोल सकते हो वैन टू फोर डीएनपी रिएक्ट विथ कार्बोनाइल कंपाउंड देन रेड और ऑरेंज और येलो कलर्ड पीपीटी पी टी इज फॉर्म और ये इंपॉर्टेंट है इन सभी सबसे इंपॉर्टेंट है पीपीटी इज फॉर्म सो दिस रीजेंट इज यूज्ड फॉर सो टू फोर डी टेस्ट टेस्ट लिख लो यार दिस रीजेंट लिख लो यही बात है टू फोर डी एन पी टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन आइडेंटिफिकेशन डिटेक्शन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड हां भाई कौन से कंपाउंड ये टेस्ट देंगे कार्बोनाइल और नॉन कार्बोनाइल कार्बोनाइल कंपाउंड गिव पॉजिटिव टेस्ट एंड नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड गिव नेगेटिव टेस्ट वही लिखिए कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बोनाइल एल्डिहाइड एंड कीटोन गिव पॉजिटिव टेस्ट एंड नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड जैसे सी डबल बॉन्डो तो यहां पर भी है देखो भाई आर सी डबल बॉन्डो यहां पर भी है है कि नहीं है, है कि नहीं है बेटा सी डबल बॉन्डो तो यहां पर भी दिख रहा है आपको बट आप खुद बताओ क्या ये सब 24 dnp टेस्ट देंगे या नहीं देंगे तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग नॉन कार्बोनिल क्या बोलते हैं भाई नॉन कार्बोनिल ये होते हैं जहाँ पर डबल बॉन्ड हो यहां भी है तो नॉन कार्बोनिल कंपाउंड नॉट गिव 24 dnp टेस्ट तो इसमें और उसमें आपको पता लगाना हो तुम तो लोग कौन सा टेस्ट यूज करते हैं 24 dnp ये नॉन कार्बोनिल है नॉन कार्बोनिल कंपाउंड ब्रैकेट में ऐसे बना के लिख लो कॉमा करके लिख लो नॉट गिव टू फोर डी एन पी टेस्ट ठीक है भाई कार्बोनाइल में दो होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन और नॉन कार्बोनाइल में ये सब होते हैं जहां आपको डबल हो यहां भी दिख रहा है बट एक्चुअल में ये उसके एसिड होते हैं। पढ़ाया हुआ है आपको अरे एसिड डेरिवेटिव याद करिए अलेवेंथ क्लास अरे आपको तो ही था यार एसिड को से तो बढ़ा लो उसको बढ़ा लो इससे कर लो वो कर लो लिख लिया आपने अगला लिखिए हाँ फोर्थ नंबर वैन सेमी कार्बाजाइड वैन सेमी कार्बाजाइड रिएक्ट विथ कार्बोनाइल कंपाउंड देन वैन सेमी कार्बाजाइड रिएक्ट विथ कार्बोनाइल कंपाउंड देन वाइट क्रिस्टल, व्हाइट क्रिस्टल वाइट क्रिस्टल व्हाइट व्हाइट सफेद वाइट क्रिस्टल सेमी कार्बा जोन इज फॉर्म मतलब आपका जो लास्ट वाला लिखा था कार्बा जोन हेलो ये वाला ये कैसे कलर का होता है ये वाइट कलर का होता है ठीक है बोलो समझ में आई बात बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन लिखिए अब आएंगे इसके एप्लीकेशन पार्ट पे एप्लीकेशन पार्ट कठिन है देखो एप्लीकेशन पार्ट देखो मेरा काम तो खत्म हो गया मैंने चार पढ़ा दिया खत्म बट एप्लीकेशन पार्ट कठिन होते हैं समझिए पहला क्वेश्चन लिखिए क्वेश्चन के फॉर्मेट में लेके आऊंगा कॉन्सेप्ट को लेके आए क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखिए फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मड इन गिवेन रिएक्शन शुरू हो जाओ एन बी एस ए बनाया एक्व्यू एच बी बनाया एच पॉजिटिव डेल्टा सी बनाया एस टू वो जिंक सेकेंड पार्ट में एन एस टू ओ एच एच पॉजिटिव टाइम नहीं दूंगा एक मिनट ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला आपको एक मिनट से ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला सॉल्व कर लो फटाफट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन बी एस एलाइलिक और बियाल लगाना रेडिकल मैकेनिज्म होती है व्हाट द फंक्शन ऑफ एक्विचन हटाओ OH लगाओ डबल बॉन्ड

कार्बन 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 यहाँ लगाया बेटा आपने लगा लिया बीच में ओ एच लगा दिया तो आपने ये बनाया होगा ऐसा कुछ हु? कार्बन यहाँ पर आ गया ओ एच कार्बन और कार्बन एस पॉजिटिव डेल्टा प्रोनेशन बाहर गया पॉजिटिव बना फिर आ गया डबल बॉन्ड तो इसको मैंने विदाउट स्टीरियोमर्स इसको वैसे बना दिया है सी एच डबल बॉन्ड सी एच यहाँ क्या बना दिया बेटा सी एस थ्री आगे आपको दे रखा है ओजोनोलिसिस और कभी आपको एल्कीन के ऊपर सिर्फ ये वर्ड लिख के आ जाए तो हम लोग अपने आप मान लेते हैं कौन सा वाला रिडक्टिव वाला बॉन्ड कट जाएगा क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पर पी एच सी डबल बॉन्डो एच और साथ में क्या बन के आया सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच आ गया भाई अब इसकी रिएक्शन कराई गई है एस टू ओ एच के साथ में हेलो कार्बोनाइल एस टू जेड याद आया कुछ है? कराओ कौन जाएगा वाटर कौन जाएगा वाटर क्या क्या बनाओगे बताओ भाई पी एच सी क्या डबल बॉन एन यहाँ क्या बन के आया बेटा ओ OH. एच प्लस यहाँ क्या बन किया है? C C के आया सी एच थ्री सी एस क्या डबल बॉन एन ओ एच बन के आ गया भाई इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा ऑक्सीजन क्या बोलते हैं भाई अब आपसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछा गया है और जब भी टोटल वर्ड आ जाए तो आपको पता होगा वहां पर क्या देखा जाता है स्टीरियो आइसोमर्स आप मुझे बताओ ये कंपाउंड जी आई शो करेगा या ओ आई आप ये बताओगे क्या ये जी आई शो करेगा यस क्या ये भी जी आई शो करेगा यस अगर जी आई शो करेगा तो आप बताओ भाई इसके कितने फॉर्म बनेंगे क्योंकि ए डबल बॉन्ड है दो फॉर्म मिलेंगे इसे कितने मिलेंगे दो तो दो यहाँ से दो यहाँ से कितने टोटल चार वो कैसे बनाएंगे वो बना भी देता हूँ देखो भाई एक बन के आएगा पी एच सी यहाँ पर आया एच डबल बॉन्ड एन ओ एच और लोन पेयर प्लस पी एच सी एच डबल वन एन यहाँ पर आया ओ एच यहाँ पर आया लोन पेयर ये बन गया इससे अब इससे बनाओ क्या बनाओगे बेटा सी एच थ्री सी एच साथ साथ लिखते रहो टाइम नहीं देने वाला मैं यहाँ पर आया ओ एच प्लस यहाँ पर आया सी एच थ्री सी एच डबल वन एन यहाँ पर आया ओ एच टोटल कितने बन गए बेटा टोटल फोर प्लॉट्स बनेंगे find out total number of oximes formed when given compound find out total number of oximes when given compound react with excess ns2oh react with excess ns2oh इन पी एच रेंज फोर टू सिक्स रिएक्ट विद एक्सेस एन एस टू ओ एच इन पी एच रेंज फोर टू सिक्स लेना ही पड़ेगा क्योंकि आपको पता था वीक वाला मामला है अपने आप रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि नॉर्मल वाई दे रखे हैं शुरू हो जाइए कुछ नहीं है पहले फटाफट फटा बना लो बनाए बाद बार चेक करो कौन जी आई कर रहा है कौन ओ आई चाहे लग लो चाहे बना के देख लो पूछा गया टोटल नंबर ऑफ ऑक्जाइम पहले ऑक्जाइम बनाओ तो क्या बनाओगे बेटा यहाँ पर एच सी डबल बॉन एन यहाँ क्या बन के आया बेटा ओ अच्छी बात है सी डबल बॉन एन यहाँ क्या बन के आया ओ एच बॉन एन ओ ये है पूरी कहानी देख लो यार अब बताओ इसमें कौन कौन जीआई आई शो करेगा कौन कौन वाई शो करेगा ये वाला ये वाला सॉरी ये वाला ये वाला भी जी आए। आया कि नहीं आया भाई सब सब क्या कर रहे हैं जी आए। तो कितने लोग जी आई करेंगे तीन अनसिमेट्रिकल केस से क्या लिखोगे टू दी पावर थ्री एट जाए बनेंगे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं सिमेट्रिकल लेके भी सीरो सिस्टम लेके भी बट आपसे पूछे नहीं जाते हैं टाइम वेस्ट करना है उसके ऊपर तो आपको मैं सीरो सिस्टम बना के पूछ सकता हूँ बट आपसे पूछूंगा नहीं अगर आपने अलेवन्थ का स्टीरियो वाइज का मॉड्यूल आपके पास हो जाके देखना उसमें भी क्वेश्चन ऐसे आप जय पूछा पूछा गया होगा और वहां पर पूछा गया होगा आपसे सूर सिस्टम बना के वो आपके काम का है नहीं वैसे चलो समझ में आ गई बात बोलो यार चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं पूछे भाई थ्री सी एच ओ सी एच थ्री एन टू इसे लिखा मैंने एक्स पी एच रेंज सिक्स टू फोर ए बनाया एक के हमने कराई एस टू एन आई से यहां बनाया बी शुरू हो जाओ देखो करेक्ट स्टेटमेंट फॉर यहां पर वाई बना लो करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एक्स एंड वाई करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एक्स एंड वाई लिखो एक्स एंड वाई बोथ आर होमोलॉगस ऑप्शन है एक्स एंड वाई बोथ आर होमोलॉगस सेकेंड एक्स एंड वाई बोथ आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स स्ट्रेंथ ऑफ वाई ग्रेटर देन एक्स बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ वाई ग्रेटर देन एक्स एक्स एंड वाई बोथ गिव कैन गिव हाइड्रोजन गैस विथ एक्टिव मेटल सोडियम एक्स एंड वाई बोथ कैन गिव हाइड्रोजन गैस विथ एक्टिव मेटल सोडियम ये डबल बॉन्डो दे रखा है दे रखा है क्या बनाओगे पहले इसके अंदर सिर्फ बेस बनाएंगे टू दिख गया दो ऐसे दिखे यहाँ पर डबल बॉन्डो दो हटाइए बनाइए क्या बनेगा क्या बनाया बोलो मेरे भाई सी एस थ्री सी एच डबल वन यहाँ बताओ एन यहाँ बताओ ये यह बन के आएगा अब आगे क्या दे रखा है एस टू एन आई क्या बनाओगे क्या बन जाएगा ये ये बन जाएगा सी एस थ्री यहाँ बताओ सी एस टू यहाँ बताओ एन एच यहाँ बताओ भाई सी एस थ्री एन एस टू कैसे आएगा तो एक्स आपको क्या दे रखा है बेटा एक्स आपको दे रखा है सी एस थ्री एन एस टू अच्छी बात है वाई क्या बन के आया आपके पास सी एस थ्री सी एस टू एन एच यहाँ बन गया है सी एस थ्री अब आपसे इन दोनों में से पूछा गया है क्या रिलेशन है ये कितने डिग्री अमीन है ये कितनी डिग्री अमीन है टू तो आपस आप में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं पढ़ाया है वन डिग्री टू डिग्री एंड थ्री डिग्री मीनस आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप तो पहला पहला ऑप्शन क्या दे रखा है होमोलॉकस अरे होमोलॉक उसे बोलते हैं इसमें मिनिमम सी एस टू का डिफरेंस हो या उसके मल्टीपल का जिसमें कितने डिफरेंस है भाई सी टू एस फोर का है कि नहीं है तो होमोलॉगस है कि नहीं है कितने लोग बोल रहे सब होमोलॉगस है वे हो या का हो या C3S6 का CS2, का का डिफरेंस 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 हो हो मल्टीपल में अगर है उसे होमोलॉगस बोलते हैं अरे हमेशा नहीं बोलते हैं एक चीज ध्यान रखना डिफरेंस चाहिए बट डिफरेंस साथ साथ सा, सा, क्या चीज चेंज नहीं होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप वन डिग्री मीन का होमोलॉगस वन डिग्री अमीन ही होगा नहीं समझ में कुछ अरे अंतर तो था फोर का बट ये आपस में होमोलॉगस क्यों नहीं है क्योंकि दोनों के, है। नहीं जाने आप के यार। पहला बताओ है? है। अरे वन डिग्री एमीन और टू डिग्री एमीन आपस में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है तो क्या बोलोगे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स आयसोमर्स ही नहीं है क्योंकि दोनों के मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम नहीं है फंक्शन ग्रुप तो अलग है बिल्कुल सही है बट आइसोमर्स होने के पहला कंडीशन क्या होता है सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला तो एक्स एंड वाई बोथ आर डिफरेंट फंक्शन ग्रुप बट नॉट आइसोमर्स गलत है फिर क्या था बेसिक स्ट्रेंथ यहां पर वन डिग्री में यहां क्या है टू यहां पर दो तरह से प्लस आई आएगा बात सही है ये सही है भाई वाई की बेसिक स्ट्रेंथ क्या एक्स से ज्यादा आया कि नहीं आया तीसरा क्या रखा है सोडियो साथ में हाइड्रोजन गैस बिल्कुल बात सही है एन लगा है लगाया लगाया होता है एक्टिव अगर एक्टिव एच है तो बात बन जाएगी बोलो भाई आंसर कौन हो गया थर्ड एंड फोर्थ आगे शुरू करें चलिए क्वेश्चन आपके पास आया ये क्वेश्चन अच्छा है क्वेश्चन नहीं है पूरा कॉन्सेप्ट है ये ओ थ्री एम ई टू एस ए बनाया अमोनिया एच पॉजिटिव वन इक्विवेलेंट पूछा गया मेजर प्रोडक्ट फिर से बोल रहा हूं इससे आप हल्के मत लेना क्योंकि जेई में ये कॉन्सेप्ट कई बार रिपीट हुआ है और आगे भी होता हो, होता रहेगा पहली बात तो पांच मेंबर देंगे ध्यान रखना ये मैं सिखाऊंगा आपको नहीं मैं पढ़ाऊंगा इसको सीखना पड़ेगा आपको नया क्वेश्चन आपके लिए है अगर देखा जाए तो मैंने आपको पढ़ा दिया भाई एन एस एन थ्री है ये है हो गया कहानी खत्म पढ़ा रखा ना पले बॉन क्या बनाओगे क्या ये आपके पास बन के आएगा सी एस टू यहाँ बताओ सी डबल बॉन्डो एच यहाँ बताइए भाई क्या सी डबल बॉन्डो एच ये बन के आ गया भाई सबको आता होगा ये तो यार अब अमोनिया कितने क्यूबेंट दे रखा है मत लिखो बेटा एक की समझने वाली समझने वाली चीज है ये

एलिमिनेशन क्या बनाया आपने रुको क्या बनाया क्या सी एच टू सी एच क्या डबल बोन एन एच बना दिया यहाँ क्या बन के आ गया सी एच डबल बोन ओ अब यही लोग मत खा जाते हैं रुको क्या आपको डबल बोन एन एच आ गया क्या नाम होता है इसका इमीन क्या नाम होता है भाई कभी भी या कहीं लिख लेना चाहे ध्यान से कभी भी आपके कंपाउंड में मोर देन वन डबल बॉन्ड ओ हो क्या बोला मैंने और रिएक्शन में आप अमोनिया से कराओगे तो क्या बन के आएगा यह तुरंत करता है टोटोमस क्या करता है भाई टोटोमस और टोटोमस करेगा ध्यान से सुनना लिखना मत इसको क्या बनाओगे बताना बेटा ये यहां पर कौन आया सी एच डबल बॉन्ड ओ हेट्रो पाई सिग्मा एच कोटाओ चार सिग्मा पाई क्या ये आपका सी डबल बॉन्ड सी एच क्या एन टू बन के आ जाएगा वापस कन्वर्ट हो जाता है एन एस टू जेड के अंदर एन एस टू आर वन डिग्री मीन में कन्वर्ट हो गया ये तो नहीं आया हो चुका है को? इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर फिर से बोल रहा हूं अगर आपके अमोनिया की रिएक्शन कार्बोनाइल से हो और आपके कंपाउंड में मोर वन डबल बॉन्ड हो तो क्या एक बार रिएक्शन करने के बाद जो इमीन बनेगा वो क्या कर सकता है टोटोमस के आपको चेक करना है कहीं ये टू जेड में दोबारा तो कन्वर्ट नहीं हो रहा है और टू जेड में कन्वर्ट हुआ और दूसरे पे अगर रिएक्शन हुआ तो क्या रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा हाँ ध्यान रखना है रिंग का फॉर्मेशन तभी करना है जब रिंग की साइज कैसी जाए पांच या छह के कितने बनाओगे अगर रिएक्शन कराओगे तो एक दो तीन चार पांच और बोलो मेरे भाई क्या बन के आएगा बताना यहाँ पर क्या ये कंपाउंड आपका बन के आएगा सी एच डबल बॉन्ड सी एच यहाँ पर आया एन यहां पर आया सी एच क्या डबल बॉन्ड ये बन के आएगा टोटल कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं भाई दो दो चार दो छह दो आठ दो दस क्या दस इलेक्ट्रॉन टोटल घूम रहे हैं क्या बोलोगे इसे आप एरोमेटिक तो इसमें एरोमेटाइजेशन भी एक बहुत अच्छा फैक्टर है तो कहीं लिख लेना अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्डो हो और आप अमोनिया से रिएक्शन कराते हो तो आप जैसे आपका इम्यून बनेगा आपको उसे रोक के बाद क्या कराना पड़ेगा टोटोमर्स और फिर जो टाटोमर्स कराने बन जाता है एनेस्टोजेड में दोबारा देखना पड़ेगा रिएक्शन होगी कि नहीं समझे क्या आप अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्या है पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना गड़बड़ करके आओगे एग्जाम में टॉटोमस अगर अब मान लो आपने कुछ ऐसा ले जाओ तो जहाँ टॉटोमस होता ही नहीं फिर बात ही खत्म हो जाती टॉटोमस करा के चेक करना कि एन एस जेड बना कि नहीं बना अगर बन गया तो फिर वो इंटरनल रिएक्शन करके दूसरे पे रिंग का फॉर्मेशन कर पा रहा कि नहीं अगर कर पा रहा तो बनाना पड़ेगा आपको कि इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक अटैक ज्यादा बढ़िया होता है क्वेश्चन नहीं है पूरा कॉन्सेप्ट है ये और टॉटोमस होने के लिए क्या चाहिए आपको मीडियम मीडियम है कि नहीं है ही रखा यार। ये अपने लैंग्वेज में कहीं लिख लेना सब चीजों को गड़बड़ी करके आते हो तो जल्दी लिखो भाई आगे क्वेश्चन कराना है मुझे हटाऊं पाई इलेक्ट्रॉन इज डी टोटल कंपाउंड कैसा हो गया एरोमेटिक हटे बेटे से चलो एक क्वेश्चन आपके पास है सिंपल सा क्वेश्चन है मैंने कहा मैंने ओ थ्री एस टू ओ ए बनाया एस ओ सी एल टू बी बनाया एस टू पी डी बी एस ओ फोर सी बनाया अमोनिया एच पॉजिटिव वन इक्विवेलेंट कौन सा वाला दे रखा है ऑक्सीडेटिव क्या बनाओगे बताओ क्या बनाया आप लोगों ने यहाँ बना सी डबल बॉन्ड ओ सी थ्री बना दिया भाई यहाँ क्या बनाया ये तो सीख हो गए यार अब तो आगे दे रखा है एसोसियल टू मुझे नहीं पता क्या काम करता बताओ ओ एच हटाओ सी एल लगाओ क्या बन जाएगा ये ये बन जाएगा आपका इस प्रकार से सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री यहाँ बताइए बेटा सी डबल बॉन्ड और सी एल बन गया भाई आगे दे रखा है एस टू पी डी बी एस क्या काम होता था इसका अरे भूल भाग पॉइट कर रखा है सबका एडजॉर्प्शन होता ही नहीं है किसका होता था एसाइल और ट्रिपल बॉन्ड का भूल गए इसका एडजॉर्पन इसका एडजॉर्प्शन इसका एडजॉपन और जैसे ही होगा यहाँ आएगा एच और यहाँ आएगा एच अटैक करेगा हो जाएगा सीएल बाहर कन्वर्ट हो गया एल फिर सरफेस को छोड़ देगा बोलो भाई क्या बनाया था ये ये आपका बन जाएगा सी डबल बॉन्डो यहाँ बताओ भाई सी एस थ्री यहाँ बताइए क्या सी डबल बॉन्डो एच आ गया भाई हेलो इस बार मैंने अमोनिया से रिएक्शन नहीं कराया है किससे कराया है हाइड्रोजीन से अब आप बताओ हाइड्रोजिन वन इक्विपमेंट दे रखा है एन एस टू एन एस टू एच पॉजिटिव वन इक्विपमेंट दे रखा है बताओ भाई अटैक किस पे कराओगे एल्डिहाइड पे या कीटोन पे मैं नहीं बता रहा अरे हिंड्रेंस ज़्यादा, हिंड्रेंस कम क्या अटैक यहाँ हो जाएगा और अटैक कराते क्या निकाल देते यहां से एस क्या बना बेटा ये हाँ जी, क्या बनाया आपने सी सी एस थ्री क्या डबल हो? यहाँ बताओ सी एस डबल बोन एन यहां बताओ एन एस टू बस खत्म अरे खत्म हो गया क्या रिएक्शन कुछ और भी है इस रिएक्शन में ध्यान से देखो एक काबोनाइल बचा है एक NS2 बचा हुआ है, और है। बोलो मेरे भाई आगे आप रिएक्शन दो बताना क्या बन आएगा क्या वापस वहां से वाटर जाएगा चेक कर लो रिंग बन रही है तो कितने मेंबर की एक दो तीन चार पांच और छह बहुत बढ़िया समझ में आई बात क्या बनाओगे ये बन के आ गया आपके पास C यहाँ बन के आया बेटा सी एच यहाँ बन के आया CH एच डबल बॉन एन डबल बॉन एन ये बन के आया और मजेदार बात क्या ये भी बिल्कुल एजुट वैसा ही कुछ दिख रहा है कितने मेंबर दो दो चार दो छः दो आठ दो दस क्या यहाँ पर भी आपको टेन पाइलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन हो रहे हैं कंपाउंड ये भी कैसा है एरोमेटिक बहुत सारे एप्लीकेशन है इसके वो चार्ट बना के पढ़ाने से काम चलने वाला नहीं है एग्जाम में उसके एप्लीकेशन पार्ट आते हैं अभी एनएस एन एस टू ओ एच के साथ में जब आपके ऑक्साइम बनेंगे उस ऑक्सजाइम में ओ OH एच को एक बेहतर लिविंग ग्रुप बना के रिएक्शन आगे बढ़ाने वाला तो हूं मैं आएगा मेन चैप्टर में वापस पढ़ाएंगे उसे पढ़ा तो यही देता हूँ बट टाइम नहीं है चलो भाई आपने ऑक्जाइम में क्या बनाया था सी डबल बॉन्ड एन फिर क्या बनाया था ओ एच बोलो भाई पक्का हटावे सब चलिए लिख लिया लोगों ने शुरू करें आगे खत्म नहीं हुआ अभी एक क्वेश्चन और पूछना आपसे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है वो चलो विच रिएक्शन फॉर्म विच रिएक्शन फॉर्म इन विच रिएक्शन ऐसा देखो इन विच रिएक्शन इट्स डेरीबेटिव हाइड्राजोन और इट्स डेरीबेटिव इज फॉर्मड और मेरा क्वेश्चन आई आई टी जे का है। इसको एक बार आपको पहले भी पढ़ा रखा है टॉलडेंट टेस्ट के अंदर विच वन गिव पॉजिटिव टोल्ट बेस्ड रिएक्शन तब था और उसी क्वेश्चन में चार कंपाउंड ऐसे लिखे थे चार कंपाउंड के टेस्ट लिखे थे आपको मैच द कॉलम करना था मल्टीपल चॉइस तो वाला था मामला शुरू शुरू करें भाई तो बताइए अब आपसे पूछा गया कौन सी रिएक्शन आपका हाइड्रोजोन या उसका डेरिवेटिव बनाएगा पहले वाले से एन एस टू यहाँ पर कदर रखा डबल बॉन्ड हो रिएक्शन होगी कि नहीं होगी कहीं नहीं होगी क्यों नहीं होगी बिकॉज मीडियम इज नॉट मैं अब विदाउट मीडियम आपका इस पर अटैक नहीं होता विदाउट मीडियम अटैक हो सकता था अगर दो फैक्टर और होते या तो हाई होता या एंटीबॉडी बहुत नीचे होते। नहीं देख आर लगा रखा भाई बोलो मेरे भाई यहाँ बताओ हो जाएगी भाई क्या बनाओगे बताओ फटाफट क्या बनाओगे सी एच थ्री सी एच क्या डबल बॉन एन यहाँ एन एस टू बन गया बहुत बढ़िया अब आता इस वाले रिएक्शन में यही तो क्वेश्चन था क्या फर्क पड़ा उसे पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है ये टेस्ट देता, देता था पढ़ते उड़ते नहीं वो आप लोग अरे पढ़ाया था एसिड बेस रिएक्शन थे ये सॉल्ट है सॉल्ट कैसा है एसिडिक समझ में नहीं आया यार आप लोग को अरे ये एसिडिक सॉल्ट है भाई कैसा है ये एसिडिक सॉल्ट कैसे लिखा जाएगा ये लिखा जाएगा एन एस टू एन एस टू साथ में लिखा जाएगा एस सी एल यहां से आपको मिलेगा एनएस टू एस टू यहाँ से मिलेगा आपको एसिडिक मीडियम इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम और एसिडिक मीडियम अगर आएगा तो जाके क्या करेगा ये इसका प्रोटोनेशन एंटीबॉडी को नीचे लाएगा अब ये अटैक कर जाएगा समझ में नहीं आया कुछ क्या बनाओगे ये भी रिएक्शन कर जाएगा क्या बना बेटा ये ये बना सी एस थ्री सी एस डबल वन एन यहाँ क्या बन गया आया एन एस टू बिल्कुल रिएक्शन होगी समझ नहीं आ रहा है पक्का मीडियम दे रखा है इसके अंदर एसडिक सॉल्ट है ये आ जाओ ये भी रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर सॉल्ट कितने हैं दो इधर से भी है और इधर से भी एच बी आर भी है एस सी एल भी है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ बताओ बोलो भाई हो जाएगा क्योंकि जो क्लास होगी आपकी चार पाँच क्लास जो भी होगी प्लीज कर लेना उसको नोट अच्छे से बना लेना फिर आगे फिर आपको नोट्स के थ्रू में आगे फटाफट एक्सप्लेन कर दूंगा चीजों को एक दो क्लास में संडे बुलाऊंगा दो तीन संडे पढ़ा दूंगा फिर मैं ठीक है हटाऊ ये सब और आप यहीं सब कुछ पढ़ के समझ जाओगे तो फिर जरूरत भी नहीं रहेगी उसकी कोई नया चीज थोड़ा पढ़ाऊंगा मैं यार समझो एक क्वेश्चन लिखा गया रुको एक क्वेश्चन लिखा गया ऐसे आपके पास एन एस थ्री पॉजिटिव सी एल एन एस थ्री पॉजिटिव सी एल माइनस क्वेश्चन लिखो इफ एन वन नंबर ऑफ कंपाउंड इफ एन वन नंबर ऑफ कंपाउंड इफ एन वन नंबर ऑफ कंपाउंड गिव C double bond N containing product if N1 number of compound gives C double bond and containing product when react with acetaldehyde in appropriate medium and in appropriate medium and एन टू नंबर ऑफ कंपाउंड एंड एंड एन टू नंबर ऑफ कंपाउंड गिव येलो पीपीटी येलो पीपीटी विथ एजी एनओ थ्री देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एन वन माइनस एन टू इन चारों कंपाउंड को देख के पूछा गया है तो आपका ऐसे कंपाउंड लिखा था देखो जे में एक कॉलम ये बनाया था एक कॉलम बनाया था टॉलेंस फिर लिखा था आपके सामने यहाँ पर उसके साथ एस्टेल के साथ में किसने आ, क्या दिया था वहाँ पर हाइड्राजोन या डेरिवेटिव और तीसरा लिखा था ए के साथ में रिएक्शन करके किसने ये और था शुरू हो जाओ अरे पर बनाई जरूरत नहीं सीधे क्वेश्चन बताओ एन वन की वैल्यू पूछा गया है फटाफट बताओ अप्रोप्रिएट मीडियम दे रखा है अगर मीडियम ना भी दे रखा हो तो हम अपने आप मान लेंगे बोलो मेरे भाई रिएक्शन हो जाएगी कौन सी रिएक्शन है एन एस टू जेड ये कौन सी है एन एस टू एन एस टू ये बताओ एन एस टू एन एच पी एच ये बताओ एन एस टू एन एच और टू फोर डी एन पी बोलो मेरे भाई क्या सब के अंदर सी डबल वन एन पोर बनेगा तो एन वन वैल की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर चार आसान था यार एन टू पूछा गया अरे आई होता है लो कंपाउंड अच्छा ना 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 कंप्लीट येलो पूछा गया है आपको पढ़ाया था ए जी आई एजीसीएल कैसा होता है वाइट ए जी बी आर येलो एजीआर कैसा होता है पेलेलो तो यहां पर जो येलो कलर कंपाउंड मिले, कहाँ मिलेगा सिर्फ एजीबीआर से एन थ्री वेलो कितना होगा वन देखो वहां पर एजीसीएल वाइट पीपीटी पढ़ा रखता पहले भी आर ये सब एजीसीएल वाइट पी पी, पी टी ए जी बी आर येलो पीपीटी ए जी आई पे ले लो पाया होगा क्या लिखोगे आप यहाँ पर फोर माइनस वन कितना आ गया बेटा यहाँ पर थ्री यही आई बात कठिन है कठिन तो नहीं था तो इसका देखा जाए तो वो चार तो बड़ा आसान था एन एस टू दिखे डबल पोन दिखे दो निकालो हटा दो उसे एप्लीकेशन पर खतरनाक आते हैं समझ में आ थोड़ी बहुत शुरू करें आगे अगले क्लास में बात करेंगे ठीक है हटा भाई सब कर दिए कितना पढ़ोगे हाँ भाई होमवर्क लाओ कुछ दे दिया जाए आपको क्या क्या होमवर्क कर लिया हमने हमने ऑक्सीडेशन खत्म हो गया रिडक्शन खत्म हो गया एल्कोहल का हम लोग करेंगे कितना किया था ओवन हो गया था एल्कोहल का ओई ओवन करके लाना